Hi guys. Good morning, everyone. Good morning, all of you. Just before I start the session, just give me a minute. Just give me a minute. Let me have a, a tech check. Yeah. <clears throat> I think seems all fine with the audibility and visibility, right? Good morning. Good morning, Nikhil. Good morning, Ishan. Good morning, Prabal. Good morning, Anushka. Good morning, Ashutosh. गुड मॉर्निंग में है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन हाई चलो सो हाई गाइस दिस इज मनु मिश्रा सो वेलकम बैक टू द सेशन जिसमें आज हम लोग सेकेंड ऑफ मार्च के दह न्यूज पेपर का एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि आज के न्यूज पेपर में हमारे एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूजेस एंड एडिटोरियल्स है सो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस वेस्ट मोर टाइम सो लॉन्ग टाइम नो सी इशांत

जैसे अगर आप पेपर खोलोगे आज इंटरनेशनल एडिशन खोलोगे तो यू विल ऑब्जर्व के आज की फर्स्ट पेज ना आज की फर्स्ट पेज एक ब्लास्ट के बारे में है एंड दैट ब्लास्ट हैपेंड इन द सिटी ऑफ बैंगलुरु है ना तो बेंगलुरु सिटी में एक ब्लास्ट हुआ एंड वेरी फेमस कैफे इज अ चेन ऑफ कैफे वहां पर हुआ एंड जिसके चलते देखा जाए देर आर समीपल इंजर्ड बट दी गुड न्यूज इज ऑल दी इंजर्ड पीपल दे आर आउट ऑफ डेंजर ठीक है बट अगेन फ्रॉम आर एग्जामिनेशन पर वो आपसे कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाए रीजन बींगर टेररिस्ट ग्रुप ने इस चीज का कोई क्लेम नहीं किया है ना सो सो बिकॉज ऑफ दैट बिकॉज ऑफ दैट इसलिए बिकॉज ऑफ दैट इसलिए हम लोग क्या करेंगे Uh, हम लोग उस न्यूज को स्किप करेंगे सो वी जस्ट सिक टू द इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द न्यूज हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव्स इंपॉर्टेंट हो सो द फर्स्ट न्यूज इंपॉर्टेंट दैट अबाउट द इंडिया श्रीलंका रिलेशन देखो इंडिया श्रीलंका रिलेशन अगर हम बात करें तो न्यूज बताती क्या है क्या ये हमारे देश के लिए अच्छी न्यूज है हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छी न्यूज है द आंसर इज यस कैसे देखा जाए तो ये चीज़ सबको पता है कि चाइना अपनी डेट ट्रैप पॉलिसी को यूज कर कर बहुत सारी कंट्री को डेट ट्रैप में डाल देता है एंड जिसके चलते बहुत सारे उसके प्रोजेक्ट्स एक्वायर करता है बहुत सारी उसकी लैंड एक्वायर कर लेता है एंड इवन चाइना बहुत सारे नेशंस की सुवर्निटी को ब्रीच भी करता है सो so, देखा जाए सो so, चाइना ने वैसे ही हमारा नेबरिंग नेशन जो है दैट इज श्रीलंका इट्स बेसिकली नॉट अ बॉर्डर टचिंग नेशन बट अ वेरी एक स्टेट के थ्रू कनेक्टेड है दैट इज कॉल्ड पल्क स्टेट पल्क स्टेट से कनेक्टेड है है ना दैट इज श्रीलंका श्रीलंका को उसने डेट ट्रैप ट्रेपे फंसा के रखा हुआ है अब डेट ट्रैप पे कैसे उन्होंने बोला कि हम आपके पोर्ट को रीबिल्ड कर देंगे हम आपके पोर्ट को कमर्शियल पोर्ट में कन्वर्ट कर देंगे वील इन्वेस्ट वील बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज हमें इतने समय तक हमें इतने समय तक लीजे देना

चाइना बेसिकली श्रीलंका 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 जो है चाइना के लिए इंपॉर्टेंस क्यों रखता है दो रीजन है इंपॉर्टेंस रखने के एक तो श्रीलंका इज द इंडियन ओशन आइलैंड नेशन तो इंडियन ओशन जो है इंडियन ओशन पर उसका अच्छा खासा कंट्रोल रहे डोमिनेंस रहे ये चाइना का हमेशा से एक पॉलिसी रही है पहला पॉइंट ये है दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हमने श्रीलंका के अगर हमने श्रीलंका के पोर्ट्स को या श्रीलंका का श्रीलंका पर हमने अगर कंट्रोल कर लिया नॉट होल ऑफ श्रीलंका बट उसके अगर स्ट्रेटेजिक पोजिशन पर अगर हमने कंट्रोल कर लिया किसी देश ने कंट्रोल कर लिया तो वो इंडिया के मैरिटाइम ट्रेड्स को इंडिया के मैरिटाइम एक्टिविटीज को ईजिली ऑब्जर्व कर सकता है इजिली ऑब्जर्व कर सकता है ऑन द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु ऑन द कोस्ट ऑफ ओडिशा ऑन द कोस्ट ऑफ केरला इजिली सो इसीलिए इसीलिए चाइना जो है चाइना श्रीलंका में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था एंड दैट प्रोजेक्ट इज व्हाट दैट इज आपका हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट ठीक है हमारे देश की सिक्योरिटी हमारे देश की सोवर्निटी हमारे देश की इंटीग्रिटी कहीं ना कहीं ब्रीच, ब्रीच हो सकती थी बात है चाइना इज नॉट अ फ्रेंडली नेशन है ना चाइना इवन नॉट अर एनिमी नेशन बट इट्स अ नेशन जो कि इंडिया को काउंटर करता है इंटरनेशनल अरेना में इट्स अ नेशन जो कि कहीं ना कहीं वो इंडिया को आ, इंडिया को टारगेट करता रहता है इट्स अ नेशन जिस जहां पर इंडिया और चाइना की दोनों की डिफरेंट आइडियोलॉजीज आइडियोलॉजी राइट सो वो समय शायद अभी आया नहीं है कि इंडिया चाइना साथ में मिलकर काम करें बिकॉज दी आर दी सुपर पावर इंडिया एंड चाइना द बोथ आर सुपर पावर इन एशिया राइट उनको एशियन सुपर पावर बोला जाता है सो so, इसीलिए जब फर्स्ट और सेकंड रैंक होती है ना तो फर्स्ट और सेकंड रैंक कभी दोस्त नहीं होते देख अच्छी बात है दोस्त हो जाए बट द पॉइंट इज कि वो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं वो कॉम्पिटिशन रहता ही है ठीक है अब वो पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए नॉट शुड बी द नेगेटिव वन कि किसी फर्स्ट वाले को पीछे घिर दो वो नहीं करना है है ना यू हैव टू मेक मेक योरसेल्फ वेरी हार्ड यू हैव टू मेक योरसेल्फ वेरी वेरी आपका एनर्जेटिक कि आप उससे आगे निकल सको गॉट इट सो इसलिए सो so, यहां पर देखा जाए तो उसके प्रोजेक्ट थे अब इसीलिए अच्छी बात यह हुई कि इंडिया ने वही प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर कर लिया नाउ द श्रीलिकन गवर्नमेंट हैज क्लियरली अनाउंस्ड दैट आपका बैंगलोर बेस्ड कंपनी जो है बैंगलोर बेस्ड कंपनी ने आपके श्रीलंका के एनर्जी बॉडी के साथ एक पैक्ट साइन किया एंड बाय द पैक्ट दे आर बिल्डिंग हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट इन द जाफना डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु

चाइना को प्रोजेक्ट दोगे ना तो हमारे देश के लिए सही नहीं होगा आपके देश के लिए सही तो है ही नहीं बट हमारे देश के लिए भी सही नहीं होगा इज जस्ट बियरली फिफ्टी किलोमीटर अवे फ्रॉम तमिलनाडु कोस्ट है ना इंडिया सेट टू इंप्लीमेंट हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट इन थ्री आईलैंड ऑफ जाफना पैनसुला विद इलेवन मिलियन उन तीन आइलैंड पे वो आपका क्या बनाएगा आपका हाईब्रिड पावर प्लांट बनाएगा और उसके लिए इनिशियल ग्रांट भी मिल चुकी है दैट इज 11 मिलियन डॉलर राइट अब देखा जाए तो अब हमने ये देखा है कि

Clean Energy Solution is a Bangalore based company, and there is another company from Sri Lanka, the power company, that energy power company, that is Sri Lankan Sustainable Energy Authority. They have come together, they have signed the contract, and they have clearly stated that this company will build a hybrid power plant in three islands of Jaffna Peninsula. ठीक है जाफना इतना सा है बस ठीक है अब देखा जाए तो अब ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है ये प्रोजेक्ट कितनी पावर प्रोड्यूस करेगा सो द प्रोजेक्ट द प्रोजेक्ट विथ फाइव थर्टी वॉट विंड पावर अब हाइब्रिड का मतलब क्या होता है हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ टू थिंग्स राइट जैसे कि अगर हम बात करते हैं हाइब्रिड जैसे हाइब्रिड कार आती है ना हाइब्रिड कार होती है हाइब्रिड कार मतलब कि सर ये आपका डीजल पे भी चलेगी ये आपका आ, आपका इलेक्ट्रिसिटी भी चलेगी तो इलेक्ट्रिक कार भी है और डीजल कार भी है दोनों है इट्स अ हाइब्रिड राइट right? कभी कभी हम लोग बोलते भी हाइब्रिड जैसे कि सी एनजी पे हम लोग कार चलाते हैं सीएनजी पे भी चल जाती है और आपकी आ, आपकी पेट्रोल पे भी पे चल जाती है डीजल पे भी चल जाती है सो 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 राइट मिक्सिंग 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 ऑफ 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 टू टू थिंग्स 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 या मल्टीपल मल्टीपल नॉट ओनली इसीलिए इसीलिए देखा जाए तो ये हाइब्रिड पावर प्लांट है और बात है हमें इतना पता है कि नाउ द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड दी क्लीन एनर्जी तो क्लीन एनर्जी को ही प्रोड्यूस करने के लिए बनाया गया होगा सो फाइव फोर्टी फाइव थर्टी ऑफ विंड पावर सेवन सेवेंटीन uh, हंड्रेड आपका क्लो ऑफ सोलर पावर ट्वेंटी फोर हंड्रेड क्लो ऑफ बैटरी पावर एंड ट्वेंटी डीजल पावर सिस्टम आपका कंस्ट्रक्ट होने वाला है बाई सोलर के द्वारा यू सोलर के द्वारा जो कि बैंगलोर बेस्ड कंपनी है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं मूविंग टू नेक्स्ट वन या द नेक्स्ट वन अगेन सीम्स इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज नाउ असम के अंदर फिर से आपके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होना होने स्टार्ट होने वाला है सो दी आपकी मेनी बॉडीज द मेनी ऑर्गेनाइजेशन एंड देर आर अराउंड समीन पोलिटिकल पार्टीज दे हैव क्लियरली स्टेटेड दैट वी विल स्टार्ट दी सी ए प्रोटेस्ट इन द स्टेट ऑफ असम इन द स्टेट ऑफ असम एंड इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट जो है असम स्टेट गवर्नमेंट इज इट्स टोटली इट्स टोटली रेडी है ना जस्ट टू काउंटर दी एन टी सी ए ए प्रोटेस्ट जस्ट टू काउंटर दी एन टी सी ए ए प्रोटेस्ट अब देखिए क्या है <coughs> तो इस न्यूज को समझने के लिए हमें दो चीजें समझनी पड़ेंगी तब तो हमें थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि भाई ये पोलिटिकल पार्टी सही कर रही है कि नहीं कर रही है द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स व्हाट सी इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज वही हम बात करते हैं आपके दूसरा दैट इज कॉल्ड एनआरसी है ना

चाहे हम जुडिशियल पर्सपेक्टिव से ही बात क्यों ना करें राइट अब देखिए देखा जाए हमारे देश के अंदर अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खोलोगे ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई कॉम्प्लेक्स बुक नहीं है बहुत सिंपल सी बुक है लेंदीएस्ट है बट सिंपल बुक है जैसे एक नॉर्मल बुक होती है आप नॉर्मल बुक खोला आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा तो जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलोगे आपको प्रियम्बल मिलेगा फिर आप सेकंड पेज खोलोगे बुक का तो आपको टेबल ऑफ इंडेक्स मिलेगा या टेबल ऑफ कॉन्टेंट मिलेगा देन अगेन यू ओपन इट है ना कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड पेज तो देन सी दी आपका वहां पर पार्टस लिखे होंगे पार्ट राइट पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री तो टेबल ऑफ कॉन्टेंट में चैप्टर्स होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट होते हैं अब हर चैप्टर के अंदर सब चैप्टर्स भी होते हैं राइट right? कि एक चैप्टर अगर मान के चलो चैप्टर है बाय। की बा, बायो की बुक का बायोलॉजी का तो लिखा होगा इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन बॉडी अब ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन आपका हेड भी आ जाएगा ब्रेन भी आ जाएगा हार्ट भी आ जाएगा लॉट ऑफ लॉट ऑफ ऑर्गन्स है ना ये सारी चीजें आ जाएंगी अब द द पॉइंट पॉइंट इज इज वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो चैप्टर होता है दैट इज पार्ट उन पार्ट में भी आपको नंबर ऑफ सब चैप्टर दिखाई देंगे जिनको हम बोलते हैं आर्टिकल्स तो आर्टिकल्स है तो जब आप पार्ट वन खोलोगे ना तो पार्ट वन क्या है पार्ट वन बताता है कि इंडिया और इंडिया की टेरिटरीज के बारे में कि इंडिया एंड इट्स टेरिटरीज फिर इंडिया में कौन रहता है द पीपल ऑफ इंडिया के बारे में बताएगा। लेकिन जब आप खोलोगे, जो से लेकर आर्टिकल इलेवन वो पार्ट ये नहीं बताता कि सिटीजनशिप कैसे एक्वायर करनी है या सिटीजनशिप आपकी कैसे जाएगी है ना वो वो बिल्कुल भी वो बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करता लेकिन हाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल टेन और आर्टिकल इलेवन क्लियरली स्टेट बोलता है कि पार्लियामेंट हैज़ अ राइट टू मेक अ लॉ ऑन सिटीजनशिप है ना तो पार्लियामेंट हैज़ राइट टू मेक अ लॉ ऑन सिटीजनशिप ये आर्टिकल टेन आर्टिकल इलेवन क्लियरली स्टेट करते हैं और जो वहां पर रिमेनिंग आर्टिकल्स हैं

आपका रिमूव द सिटीजनशिप या फिर आपकी सिटीजनशिप कैसे टर्मिनेट होगी कैसे आप अनाउंस कर सकते हो राइट वो सारी चीजें और इसीलिए क्योंकि पार्लियामेंट को राइट मिल रखा है लॉ बनाने का सिटीजनशिप को रेगुलेट के लिए तो इसीलिए पार्लियामेंट एक लॉ लेके आती है 1955 में और उसका नाम था सिटीजनशिप सिटीजनशिप एक्ट ऑफ नाइनटीन है ना सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। अगर तो स्टेट करता है तो क्या ऑप्शन नहीं है कोई नहीं देर आर ऑप्शन तो वो चीज बताएगा है ना? <laughs> और उसके साथ साथ हाउ टू लूज दिटीजनशिप वो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाया जाएगा जब आप क्लास में पढ़ोगे तब तो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे या या फिर कभी भी आपको सिटीजनशिप को लेकर कभी कुछ करंट करंट कॉन्टेक्स में आता है तो अपन पढ़ेंगे जरूर इसको कि हाउ टू एक्वायर दिटनशिप एंड हाउ टू लूज दिटनशिप है ना देर आर फाइव वेज टू एक्वायर दर आर थ्री वेज टू लूज वो भी डिस्कस करेंगे कभी और कभी समय मिलेगा तो नाउ ना दो पॉइंट इज ना तो पॉइंट इज कि जब हम सी ए की बात करें तो ऑब्वियसली बात है तो सी ए क्या है इट इज द अमेंडमेंट अमेंडमेंट इन द एक्ट है ना तो ये जो था ये अमेंडमेंट था ये अमेंडमेंट था इस एक्ट के अंदर ये अमेंडमेंट आया कब दिस अमेंडमेंट हैज बीन ब्रॉट अप इन द ईयर ऑफ 2019 2019 अब ये क्या बोलता है ये क्लियरली स्टेट करता है कि क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट बोलता क्या सिटेशिप एक्ट क्लियरली टॉक्स अबाउटनशिप आपको कैसे मिल सकती है और आपकी सिटीजनशिप कैसे जा सकती है तो सीए क्लियरली स्टेट करता है हमारे नेबरिंग नेशन है नेबरिंग नेशन में कौन कौन आएगा सो पाकिस्तान अफगानिस्तान है ना अफगानिस्तान देन वी है दिस वन बांग्लादेश ठीक है पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश अगर हमारे नेबरिंग नेशन से अगर हमारे नेबरिंग नेशन से अगर कोई माइनॉरिटी रिलीजन का पर्सन इंडिया में आता है क्यों क्योंकि उसके ऊपर रिलीजियस परसिक्यूशन चल रहा था ध्यान सुनिएगा ध्यान सुनिएगा कि अगर

आपको इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करनी है तो आपको बारह साल इंडिया में रहना पड़ेगा तब जाके आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है बट सी एक्ट क्लियरली बोला कि अगर कोई पाकिस्तान से माइनॉरिटी रिलीजन का इंसान आ रहा है जिसके ऊपर रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ तो वो आ सकता है इंडिया में पांच छह से से साल रहे और उसको सिडनशिप दे दी जाएगी अंडर दी सी अंडर दी ए ये क्लियरली बोलता है बांग्लादेश इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो नेशन है ये नेशन कौन है दीज नेशन आदि मुस्लिम मेजोरिटी नेशन है ना ये मुस्लिम मेजोरिटी नेशन है और इनके अंदर जो माइनॉरिटी रिलीजन के लोग होंगे वो कौन होंगे हिंदूस बुद्धिस्ट जैन सिख क्रिश्चियंस मेजरली तो यही है तो ये लोग आ, ये लोग लोग आ सकते हैं के लिए रिबेट मिल रखी है, राइट ये चीज और इसी चीज को लेकर हमारे देश में इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है। चलता हुआ दो हजार उन्नीस से चलता हुआ आ से चलता हुआ, चलता हुआ point भी इस बात का है कि होम मिनिस्ट्री ने अभी तक इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन ही नहीं किया उन्होंने बोल दिया कि ये लॉ है लेकिन कैसे काम करेगा कैसे क्या रूल्स होंगे कैसे रेगुलेट होगा वो चीज उन्होंने क्रिस्स कैन ऑलसो कम येस मैंने क्या बोला माइनॉरिटी रिलीजन माइनॉरिटी रिलीजन है ना अगर उनके ऊपर रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है तो रिलीजन के नाम पर उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है उनके ऊपर एट्रोसिटीज की जा रही है तो क्लियर ये चीज अब यहां पर यही चीज बताया गया कि अगर नेशन तो the तो तो आप? आपको तो टारगेट कर नहीं रहा सीए तो आपको टारगेट कर नहीं रहा इंडियन मुस्लिम्स को या फिर इंडियन सिटीजन को टारगेट तो बिल्कुल नहीं कर रहा सो वाई प्रोटेस्टिंग राइट बट मेनी पोलिकल स्टैंड एंड देव क्लियरली स्टेटेड हमारे देश में हमारे देश में ही आप बेरोजगारी इतनी है हमारे देश में ही इतना अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश के अंदर ही इतनी कमी है सोशल सर्विस सोशल सर्विसेज की या सोशल सोशल स्कीम्स की है ना सो so, इन लोगों को आप कैसे संभालोगे ये तो भर भर के आ जाएंगे तो ये अपोजिशन पार्टी का कंसर्न भी है और ये फिर बोल रहे हैं कि आर्टिकल फोर्टीन के अगेंस्ट में भी है आर्टिकल फोर्टीन तो सारे पर्सन के ऊपर लगता है सिटीजन के ऊपर लगता भी नहीं है ये भी उनका कहना है क्योंकि आप ये तो बोल ही सकते कि भाई के पर्सन कैन नॉट बी आपका लिखा है ना राइट टूलिटीजन टू होल ऑफ पीपल बट इंडियन गवर्मेंट का ये स्टैंड था चाहे इंडिया में रेफ्यूजी रह, रह, रह रहा हो उसके लिए आर्टिकल फोर्टी है लेकिन जो इंडिया में रह नहीं रहा उसके ऊपर अप्लाई होगा अगर पाकिस्तान में हिंदू रह रहे है, तो आर्टिकल फोर्टी अप्लाई थोड़ी ना होगा वो आ जाए इंडिया में तो अपलाई हो जाएगा बट हम तो उनको लेके आ रहे हैं

register of citizen ठीक है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन ये चीज यहां पर बताई गई अब देखिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है एनआरसी जो है एनआरसी क्या बोलता है रजिस्टर हम जानते हैं रजिस्टर क्या होता है रजिस्टर वी 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 ऑल नो राइट हमने स्कूल में बहुत यूज किया हुआ है आप लोग अभी तुम लोग करते भी हो गए सो so, एक सिंपल सा रजिस्टर एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट और उस डॉक्यूमेंट में क्या होगा दिस्ट लिस्ट ऑफ इंडियन 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 सिटीजन अब देखो हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अभी मणिपुर में वायलेंस हुआ मणिपुर में वायलेंस का वन ऑफ रीजन क्या था वन ऑफ मेन रीजन ये था कि जो कुकी, जो चिन, जो कि इंडियन सिटीजन नहीं है जो कि म्यांमार से मणिपुर में आ गए उनको एससी की लिस्ट में डाल दिया गया तो देखो इसमें गवर्नमेंट का भी फॉल्ट नहीं है गवर्नमेंट का फॉल्ट तो है बट देखा जाए तो गवर्नमेंट नहीं कर रही क्योंकि गवर्नमेंट को पता ही नहीं कि ये सिटिजन इंडिया है कि नहीं में डाल दो। है तो कू की मल्टीपल इंसिडेंट पर बांग्लादेश से लोग आते हैं आपके वेस्ट बंगाल में रहना स्टार्ट कर देते हैं और अपने आपको इंडियन सिटीजन बताना स्टार्ट कर देते हैं कि हम इंडियन सिटीजन है और वो इंडियन आ, इंडियन इंडियन, इंडियन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का बेनिफिट उठाते हैं राइट ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं बॉर्डर एरिया बहुत इंसिडेंट्स होते हैं टेररिस्ट आ जाते हैं टेररिस्ट रहने लगते हैं सो so इसीलिए इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिंपल से डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे उस डॉक्यूमेंट के अंदर सारे सिटीजन के नाम लिखे जाएंगे बनु मिश्रा सिटीजन ऑफ इंडिया कृष्णा कपूर सिटीजन ऑफ इंडिया अनुष्का सिटीजन ऑफ इंडिया प्रबल सिटीजन ऑफ इंडिया राइट बट ऑब्वियसली बात है हैज टू प्रूफ ना जब मैं पैदा हो रहा था इंडिया के अंदर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वीडियो रिकॉर्ड थोड़ी ना कर रही थी कि वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हो वीडियो रिकॉर्डिंग उसके पास हो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है सो हैज़ टू प्रूफ यू यू हैव टू प्रूव दैट आर इंडियन सिटीजन व्हाट आई आई शो शो सी सर दिस इज माय होम है ना ये मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये मेरे फादर है एंड ये मेरे फादर का आधार कार्ड है पैन कार्ड है ये बर्थ सर्टिफिकेट है ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है है ना तो ये सारे डॉक्यूमेंट चलते हैं आधार कार्ड नहीं चलेगा बर्थ सर्टिफिकेट हो गया स्कूल अगर आपने करी करी है यहाँ पर स्कूलिंग करी है स्कूल का सर्टिफिकेट दिखाओगे है ना तो वो सारी चीजें तो तब जाकर आपको एनआरसी की लिस्ट में डाला जाएगा इससे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो गई प्रॉब्लम कैसे क्योंकि एक तो बहुत सारे रेफ्यूजीज आ रखे थे जो कि इंडियन सिटीजन अपने आपको डिपेक्ट कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम है दूसरे देर आर लॉट ऑफ ट्राइबल पीपल लॉट ऑफ ट्राइबल पीपल्स एंड आर लॉट ऑफ कम्युनिटीज इन दी वेस्ट बंगाल रीजन एंड इन द इंडिया ऑल्सो जहां पर उनके पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं दे डोंट हैव देर इलेक्ट्रिटी बिल देट है कि भाई हम तो इंडिया में ही बॉर्न हुए सब कुछ हमारे इंडिया में ही हुआ लेकिन इंडियन सिटीजन नहीं माना जाएगा क्योंकि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ठीक है तो उस चीज को लेकर एनआरसी के अगेंस्ट भी भी प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया तो मेरा मेरा वही वही मानना होता है, मेरा वही कहना होता है प्रोटेस्ट करना भी है है कहना करना इसके अगेंस्ट करो इसके अगेंस्ट क्यों करना है अच्छी बात है भाई इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ रही है लेकिन इससे इंडिया के ऊपर इंपैक्ट भी आएगा इंपैक्ट कैसे कि ये जो नेशन है इन नेशन के साथ इंडिया के रिलेशन कहीं ना कहीं स्ट्रेन होंगे ठीक है एक इंटरनेशनल कम्युनिटी पे गलत मैसेज आएगा इन नेशंस के लिए कि ये नेशंस रिलीजियस प्रसिक्यूशन करते हैं आपके आपके आ, क्या बोलते हैं अपने देश के अंदर वो चीज है और इंडिया उनकी मदद करता है तो वो एक, वो एक एक बॉर्डर के साथ हमें कभी पंगा नहीं लेना चाहिए कभी नहीं लेना चाहिए बॉर्डर नेशन के साथ है ना कभी फाइट मत करो इंडिया की किस्मत खराब है है ना कि इंडिया पाकिस्तान से यहाँ पाकिस्तान से ही बॉर्डर लगा के बैठा हुआ है चाइना से बॉर्डर लगा के बैठा हुआ है है ना और इंडिया की अभी नेबरिंग फ्रेंडशिप जो है वो अपने हाइट पे नहीं है और अभी सही भी नहीं चल रही है ना ही नेपाल के साथ चल रही है ना ही ज्यादा अच्छी पाकिस्तान के साथ तो कभी अच्छी थी भी नहीं श्रीलंका चाइना के साथ भी कभी अच्छी थी नहीं बांग्लादेश में भी अभी इंडियन जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है मोदी गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट थोड़े से अपोजिशन होते हैं ऐसा नहीं है कि नहीं होते अपोजिशन होते हैं अच्छे खास अपोजिशन होते हैं तो वो चीज तो इंडिया हैज टू फोकस ऑन आर नेबर्स राइट हो सकता है कि अभी मोदी जी फिर से जीतेंगे तो मोदी जी फिर से बुलाएंगे सारे प्रधानमंत्रियों को क्या है है ना? और उस समय पाकिस्तान के शायद प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया में है पॉसिबिलिटी है हो सकता है मोदी जी इन्वाइट तो करेंगे ठीक है चलो चलिए आगे बढ़ते हैं सर उन्हें आधार कार्ड देते हैं भाई आधार कार्ड तू बना सकता है मैं सही बता रहा हूं कुछ नहीं करना है देर आर मल्टीपल एप्लीकेशन है ना ऑन गूगल सिंपल सा जा वहां पर पेस्ट कर कट कॉपी पेस्ट कर इजीली आधार कार्ड बन जाएगा तेरा ठीक है तो आधार कार्ड बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ठीक है So, कल ही सीएम लाल डोमा ने मना किया है वो बेटा उन्होंने उन्होंने रेफ्यूजी की काउंटिंग को लेकर मना किया राइट right? डिफरेंस है वो रेफ्यूजी की बात कर रहे हैं या रेफ्यूजी की हम काउंटिंग नहीं करेंगे यहां पर इंडियन सिटीजन की बात हो रही है रेफ्यूजी दे आर नॉट इंडियन सिटीजन राइट उन्होंने यहां पर इंडियन सिटीजन की बात चल रही है सर डिफरेंस चलो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन नाउ दिस वन नाउ दिस इज समथिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज

राइट right? लेपर्ड की पॉपुलेशन अच्छी खासी इंक्रीज हुई है अच्छी खासी इंक्रीज हुई है है ठीक अच्छी इंक्रीज हुई बट हम बात करें ओवरऑल बट अगर हम स्टेट पर्सपेक्टिव से बात करें और कल हमने पढ़ा था प्रदेश में सबसे ज्यादा लेपर्ड है लेपर्ड का मतलब तेंदुआ राइट right? तेंदुआ सबसे ज्यादा लेपर्ड है, है ना हाँ थर्टीन थाउजेंड एट सेवेंटी फोर टोटल लेपर्ड्स है इंडिया के अंदर अभी ट्वेल्थ थाउजेंड से कुछ बढ़ गए ठीक है ट्वेल्ल थाउजेंड से कुछ बढ़े फिफ्टी टू एटीन परसेंट के बीच में इंक्रीमेंट देखने को मिला है नाउ नाउ इफ इवी टॉक अबाउट दी स्टेट स्पेसिफिक तो उड़ीसा इज अ स्टेट जहां पर हमेशा तारीफ की जाती है हर चीज़ की चाहे नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो चाहे नेचुरल क्लामिटी की बात हो चाहे आपके फ्लोरा एडोना की बात हो लेकिन पॉइंट इस बात का है कि एक चीज में आज हमें थोड़ी उड़ीसा की बुराई करनी पड़ेगी एंड दैट इज अबाउट के अनरिस्ट्रेनड पोचिंग प्लेज बिग रोल इन डिक्लाइन ऑफ ओडिशा लेपर्ड राइट सो उड़ीसा में उड़ीसा स्टेट स्पेसिफिकली उड़ीसा स्टेट में लेपर्ड की पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज, डिक्रीज हो रही है डिक्लाइन हो रही है और डिक्लाइन होने का जो सबसे बड़ा रोल है वो रोल क्या है दैट इज पोचिंग है ना पोचिंग तो वही चीज यहां पर बताया गया कि उड़ीसा हैज विटनेस शार्प डिक्लाइन इन इट्स लेपर्ड पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली वन फोर्थ लॉस्ट वन फोर्थ लॉस्ट इट कि अगर हंड्रेड थे तो आप वी फाइव लेपर्ड बचे हैं और वो क्यों हुए और इट इज इट्स हैपन ओनली विद इन ऑफ दो हजार 2018 से लेकर 2022 के बीच में 2018 से लेकर 2022 के बीच में सिर्फ आपके वन फोर्थ सिर्फ मतलब ऑफ द लेपर्ड आपके डिक्लाइन हो गए पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई और एक सबसे बड़ा बिग रोल क्या है इसमें दैट इज ड्यू टू पोचिंग 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 के चक्कर में पोचिंग के चक्कर में है ना? तो कल हम पढ़ रहे थे कि कल ही स्टेटस ऑफ लैपर्ड इंडिया रिपोर्ट रिलीज की गई एंड उसमें बताया गया कि क्या द पिक्चर ऑफ द बिग कैट पॉपुलेशन इन द इंडिया और स्पेसिफिकली स्टेट के बारे में भी स्टेट के बारे में भी ये चीज यहां पर बताई गई क्लियर चल अगर देखा जाए तो भी लेपर्ड पॉपुलेशन उड़ीसा में कितनी है दैट इज 568 568 और देखा जाए कंट्री वाइड एस्टिमेट किया गया लास्ट टाइम तो कितना था 760

बेटा पार्वती क्यों नहीं हो रही है हो तो रही है क्लासेस यार कैसी बातें कर रहे हो कहा नहीं हो रही क्लास बता ना कौन से बैच में हो गोइंग क्लास इज गोइंग स्मूथ चल रही है भाई जो जो आपके बना हुआ है टाइम टेबल उसी हिसाब से चल रही है क्लासेस कौन से बैच में हो ब, बच्चे आप हा दे अब वही पॉइंट है ना कि कभी कभी क्लास नहीं होती ऐसा नहीं है कि क्लास ही नहीं हो रही रेगुलरली क्लास नहीं हो रही ठीक है तो वो चीज ठीक है हा एक दो क्लास स्किप हुई है एक दो क्लास स्किप हुई है सो कल आई हैव टू मेक अ प्लान फॉर मेनी थिंग्स राइट वाइट ये प्लान क्या होना चाहिए स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए तो लॉट ऑफ थिंग उसमें बिजी थे तो कल कोई क्लास नहीं हुई थी तो मेरी कल कोई क्लास नहीं थी किसी बैच में क्लास नहीं थी हाँ हाँ हाँ, हाँ नहीं हुई होगी चलो चलो अब यहां पर आते हैं होगी बेटा क्लास होगी ऐसा नहीं है मंडे मन, से फिर रिस्टार्ट करेंगे सब लोग मंडे से फिर से सब लोग जाग जाएंगे अभी क्या हुआ है अभी मंथ एंड हुआ है ना तो मंथ एंड में होता है क्या है ना कि ट्वेंटी नाइन को तुमने क्लास देखा होगा फर्स्ट को तुमने क्लास नहीं देखी होगी और ऊपर से अभी वीकेंड आ गया राइट right? सैटरडे संडे भी आ गया सो सैटरडे संडे आई होप बहुत कम क्लासेस होती है मंडे टू फ्राइडे ज्यादा क्लासेस होती हैं आप लोगों की राइट सो वही चीज है अभी सब चिल कर रहे हैं सब आराम कर रहे हैं सोमिल सर भी आराम कर रहे हैं चिल कर रहे हैं आपका वो भी आराम कर रहे हैं क्या बोलते हैं आकाश सर भी सौरभ सर तो करते ही है चल तो वो चल कर रहे हैं चलो चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ ऑन दिस वन सो दैट इज दैट इज वॉट दैट इज आपका इंडिया टू स्टैब्लिश इंटरनेशनल अलायंस टू प्रोटेक्ट बिग कैट्स ठीक है चलो एक सेकंड रुकना बस जस्ट गिव मी वन मिनट जस्ट वन सेकंड चलिए नाओ नाओ टॉक अबाउट दिस दिस न्यूज अगेन उसी से रिलेटेड है है ना अब यहां पर सबसे पहले जो बात हो रही है वो बात हो रही है इंडिया टू स्टैब्लिश इंटरनेशनल अलायंस टू प्रोटेक्ट बिग कैट्स ठीक है अब देखिए देखा जाए टाइगर uh, टाइगर के कंजर्वेशन को लेकर हम लोग बहुत सा इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं इनिशिएटिव इन द सेंस लाइक यू कैन सिंपली सी इनिशिएटिव्स लाइक आपका प्रोजेक्ट टाइगर है ना प्रोजेक्ट टाइगर के बाद ही आ, आपके टाइगर रिजर्व बनना स्टार्ट हुए हमारे यहाँ टाइगर पॉपुलेशन जहां पर डिक्लाइन हो रही थी उस पीरियड में हमने टाइगर की पॉपुलेशन में अपग्रेडेशन देखा इंक्रीमेंट देखा तो वो चीज़ ठीक है वो चीज़ अब।, अब अब अगर हम बात करते हैं अब अगर हम बात करते हैं अब अगर हम बात करते हैं सो इंटरनेशनल आपका आ, देखा जाए तो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने एक और एक और स्टेप लिया है एंड दे हैव क्लियरली स्टेटेड कि वॉट विल डू इज कि एक इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दो इंटरनेशनल अलायंस लेड है कौन कौन से है एक है आपने सुना होगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है ना इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अंदर इज अनदर वन दैट इज सुनने सुना होगा जो कि रिलेटेड नहीं है आपके एनिमल से रिलेटेड दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस सोलर अलायंस ठीक है सोलर अलायंस देखिए अब पॉइंट ये कि हमें ये चीज पता है कि इंडिया में टाइगर्स नाउ दे आर प्रोटेक्टेड राइट नाउ देर प्रोटेक्टेड उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ती हुई जा अबाउट आप आपका इंटरनेशनल टाइगर पॉपुलेशन जब इंडिया ने सिक्योर कर लिया टाइगर की पॉपुलेशन को और वो बढ़ा रहे इंक्रीज इंक्रीज भी करवा रहे so इंडिया वॉन्ट के पूरे दुनिया में जाए और ये इंडिया की सॉफ्ट पावर का सोकेश भी होगा है ना इंडिया की तारीफ भी होगी और इसीलिए इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियरली इंडियन यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने क्लियरली स्टेट किया है दैट वॉल वील डू इज वी विल सेट अप वी विल सेट अप एंड कोऑर्डिनेट एन इंटरनेशनल बिग गेट अलायंस अलोंग द लाइंस ऑफ आपका इंटरनेशनल सोलर इंटरनेशनल सोलर लाइन्स अब इंटरनेशनल सोलर लाइन्स बेसिकली क्या है इंटरनेशनल सोलर लाइन्स बेसिकली बहुत सारे कंट्रीज को प्रमोट करता है सोलर कैपैसिटी को इंक्रीज करना है ग्लोबली राइट दिस इनिशियटिव टू प्रमोट सोलर इंस्टॉलेशन ग्लोबली सोलर इंस्टॉलेशन ग्लोबली ये चीज अब अब अगर हम बात करें अब अगर हम बात करें तो जैसे इंटरनेशनल सोलर अलाइंस चल रहा है ना वैसे ही इंडिया को लेके चलना है आपका इंटरनेशनल बिग

सेवन बिग कैट्स सेवन बिग कैट्स है ना सेवन बिग कैट्स के कंजर्वेशन को लेकर आपका ये आया है अब ये कौन कौन से सेवन बिग कैट्स है सेवन बिग कैट्स आपको देखने को यहां पर मिल जाएंगे लेट मी जस्ट ये रहा ठीक है तो टाइगर लायन लेपर्ड स्नो लेपर्ड प्यूमा जैगवार चीता ठीक है देखो ऑबी बात है कुछ कुछ नाम याद करना बड़ा आसान है टाइगर है लायन है स्नो लेपर्ड है ये तीन याद रखोगे अब बाकी सब जो आपको देखते हैं ना कॉमन जो जिसमें स्पॉटेड एनिमल्स होते हैं स्पॉटेड कैट्स होते हैं लेपर्ड प्यूमा जैगवार स्नो लेपर्ड तो लेपर्ड स्नो लेपर्ड प्यूमा ये बस ये सारे लोग ये सात है याद रहेंगे इसमें से एक दो तो ब्रांड के नाम है जैसे जैग्वार हो गया ब्रांड का नाम है राइट कार का कार ब्रांड है राइट प्यूमा सब जानते हैं शूज एंड आपका स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड ब्रांड है है ना तो वो चीज तो ऑटोमेटिक टाइग, टाइगर लायन याद रखोगे स्नो लेपर्ड याद रखनी है क्लियर चलिए और चीता मोदी जी की वजह से चीता याद रहेगा तो ये सात चीज याद हमेशा रखिएगा क्लियर तो अब यही चीज उन्होंने बोली है यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है भूपेंद्र यादव उनका यही कहना है कि जैसे हमने इंटरनेशनल सोलर लाइन्स में हमने जो काम कर रखा है ना और इंटरनेशनल सोलर लाइन्स में हमने जो बोल रखा है क्लियरली स्टेट करके रखा हुआ है कि स्टेट करके रखा हुआ है कि दैट वी हैव टू कंजर्व दीज बिग कैट्स राइट हमें हम इनको कंजर्व करने की जरूरत है हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है और इसीलिए हम लोग इंटरनेशनल सोलर लाइंस को जैसे हम लेके गए हैं ना वैसे ही हम लोग इंटरनेशनल बिग कैट लाइंस को भी लेके जाएंगे ठीक है तो वही लिखा गया कि इंडिया जो है वो ग्लोबल लीडर लीडरशिप होल्ड करके बैठा हुआ है इन व्हाट इन टाइगर कंजर्वेशन इन टाइगर कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं सो so, इसीलिए इसीलिए इंडिया ने ऑलरेडी कमिट कर दिए हैं वन करोड़ जिसके चलते बहुत सारे इनिशियटिव लिए जाए और बिग कैट्स को कंजर्व किया जाए बिग कैट्स को कंजर्व किया जाए देखा जाए तो अभी दे टोटल ओनली सिक्सटीन कंट्रीज जो कि इंटरनेशनल बिग कैट अलाइंस का हिस्सा है कितनी है सिर्फ सोलह कंट्री है सिर्फ सिक्सटीन कंट्रीज है बट वी वॉन्ट कि कम से कम 90 प्लस कंट्रीज तो इसलिए इंटरनेशनल बॉडी है भी नहीं जो कि आपके अड्रेस कर सके कंजर्वेशन और बिग कैट्स को जो चैलेंजेस होते हैं बिग कैट के जो चैलेंजेस होते हैं ठीक है और अभी तक खुद बोला गया कि अभी तक सिर्फीन कंट्रीज देव गिवेन रिटर्न कंसेंट के वो इंटरनेशनल बिग कैटलाइंस का हिस्सा होंगे बिग कैटालाइंस का हिस्सा होंगे लेकिन दुनिया में देर आर टोटल 96 कंट्रीज कितनी है कंट्रीज 96 कंट्रीज है जहां पर बिग कैट्स है जहां पर बिग कैस्ट एग्जिस्ट करती है सो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ने बिग कैट लाइंस को सिर्फ 19 सिर्फ 19 कंट्रीज में ज्वाइन करके रखा हुआ है है ना, ना 19 कंट्री ने बट द पॉइंट इज बट द पॉइंट इज के 96 कंट्रीज दैट टोटल 96 कंट्रीज दैट दैट आपका दे uh, दे आर हैविंग आपका ये सारी चीजें बिग केट्स है ना उनके पास बिग केट्स हैं क्लियर क्लियर सर सोलर लाइंस में कितने हैं कितनेबर है टोटल वन जीरो सिक्स मेंबर्स वन जीरो सिक्स मेंबर्स क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन नाउ नाउ दिस वन

अपन डिस्कस करेंगे गाइज ये सारे इश्यूज ना अपन डिस्कस करेंगे एक बार मैं कर, एक बार मैं आराम से बैठेंगे मैं कल बैठता हूँ आराम से तुम लोगों के साथ गूगल मीट पर आराम से जिसको जितना आना है जो जो, जो भी डाउट पूछना है वो पूछ सकता है आराम से कल अपन बैठते हैं ठीक है चलो कल कल कर देंगे कल मैं ग्रुप पे एक लिंक डाल दूंगा उस लिंक में यू कैन एनी वन कैन ज्वाइन इफ यू एनी थिंग एनी इशू एनी डाउट यू कैन आस्क उधर यूधर तो वहीं पर अपन मेंटरशिप कर लेंगे क्लियर चलेगा कल अपन करते हैं ये कल्पन कर लेंगे चलो जिससे सबको क्लैरिटी मिले सबको एक एक करके मौका मिल जाए अभी क्या होता है यहाँ पर ना एक बार कुछ एक बार डाउट पूछोगे मैंने आंसर दिया तो बार 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 आप बार 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 क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्वेश्चन पूछोगे बट अगेन वो स्किप हो जाएगा ना तो एक एक करके अपन करेंगे तो वो ज्यादा आसान होगा सबके लिए बेहतर होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं चलिए नाउ दिस वन सो इलेक्शन कल ही हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे पार्टीज ना अपोजिशन पार्टीज मूविंग कास्टिज्म की तरफ जा रहे है ना कास्टिज्म की तरफ जा रहे हैं so, सो इसीलिए इसीलिए देखा जाए इसीलिए देखा जाए सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्लियरली स्टेट किया है क्लियरली स्टेट किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज की रैली के समय समय या कभी भी कोई भी काम कर रहे हो इलेक्शन की कैंपेनिंग के समय डोंट मेक अपील ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इलेक्शन ऑफ इंडिया ने सारी पार्टीज पार्टीज को को बोल दिया, सारी को बोल दिया दिया सारी सो ये लिखा हुआ है कि अहेड ऑफ द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन द इलेक्शन कमीशन हैज डायरेक्टेड द दोलिटिकल पार्टीज स्पेशली द स्टार कैंपेनर्स द स्टार कैंपेनर्स होते हैं राइट स्टार कैंपेनर्स सीधे स्टार कैंपेनर की बात आती है ना मेरे दिमाग में एक इंसान आता है योगी आदित्यनाथ है ना स्टार कैंपेनर्स दैट यू हैव टू मेनटेन डेकोरम वाइल कैंपेनिंग एंड रेफर फ्रॉम मेकिंग अपील ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कम्यम्यूनल पॉलिटिक्स और मेक फॉल्स स्टेटमेंट विच कैन मिसलीड वोटर्स विच कैन मिसलीड वोटर्स ठीक है ये चीज यहां पर बता रखी है तो यहां पर क्लियरली स्टेट कर दिया गया है कि भाई आपको बिल्कुल भी बिल्कुल भी कास्ट रिलीजन यूज बिल्कुल नहीं करना है बिल्कुल यूज नहीं करना है ठीक है <coughs> ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं या दिस वन सो नाउ दिस एडिटोरियल सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज फ्रॉम माई डिफेंस परसपेक्टिव याद करिए जब मोदी जी यूएसए गए थे याद है लास्ट ईयर मोदी जी यूएसए गए थे और यूएसए जब गए तो यूएस में उन्होंने दो मेजर डील करी थी और हमने पढ़ा भी था जो क्लाइट ट्वेंटी के एक्सपेरेंट्स रहे होंगे जिन्होंने क्लाइट ट्वेंटी दिया होगा उनको आइडिया होगा दे है दे क्लियरली नो दे क्लियरली नो कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंस रखता था और दो मेजर डील हुई एक आपकी कौन सी एक आपके जेट इंजन को लेकर है ना जैन इलेक्ट्रिक मोटर्स जो थे ठीक है उनके इंजन्स को लेकर और ऊपर से एक और हुआ था दैट इज इंडिया इज प्रक्योरिंग आपका ड्रोन ड्रोन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ

है ना तो बेसिकली ये डिफेंस के आइटम्स हैं इसीलिए इसमें यूएस कांग्रेस की परमिशन की जरूरत पड़ती है राइट यूएस कांग्रेस की परमिशन की जरूरत पड़ती है तो यूएस कांग्रेस ने अप्रूवल दे दिया है दे दिया बेटा दे दिया वो आ गया है लिखा है ना प्रोग्रेस टू दी नेक्स्ट स्टेज आफ्टर थर्टी डेज कांग्रेसियल नोटिफिकेशन पीरियड कंक्लूडेड ऑन फ्राइडे ठीक है ये चीज तो नेक्स्ट स्टेप आ चुका है नेक्स्ट स्टेप आ चुका है सो बेसिकली वी आर मूविंग टुवर्ड्स कांग्रेस डिले कर रही है यूएस कांग्रेस डिले कर रही थी लेकिन अब कांग्रेस कांग्रेस का सेशन ही खत्म हो गया ना तो तो इसलिए डील कितने की है ये? है ये डील आपका 3.99 3.99 बिलियन डॉलर्स हैशिंगटन डीसी वॉशिंगटन डीसी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही हुआ क्या था कि अभी यूएस कांग्रेस में ना बहुत सारी चीजें पेंडिंग हो गई थी पेंडिंग सिंपल सा रीजन ये था कि गुरपन सिंह पन्नू है ना उसकी उसकी खालिस्तान लीडर उसके ऊपर अटैक हुआ है ना ऊपर से हरदीप सिंह आपका वो था हरदीप सिंह निज्जार उसका उसकी मर्डर हो गया तो जिसके उसी के चलते सिचुएशन जो थी वो इंडिया और यूएस के बीच में अच्छी नहीं हो पा रही थी अच्छी थी बट नॉट फ्रॉम द डिफेंस परस्पेक्टिव मतलब दे हैव टू मेक श्योर ऑफ दैट कि कहीं प्रोस्क्यूशन जो नहीं चल रहा है यूएस भाई आई यूएस बहुत ज्यादा चीजें देखता है ये है वो है खुद में बहुत सारी कमियां है लेकिन दूसरे देश को देखेगा कि वो बिल्कुल दूध का धुलाए के नहीं है ठीक है चलो नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं

टू नो एवरीथिंग जिसमें गवर्नमेंट का इनिशियटिविस नेशनल इंटीग्रिटीटी को हमना कर रहा हो उसकी इंफॉर्मेशन अगर पब्लिक में रिवील हो जाए है ना? और इसीलिए हमारे देश के अंदर एक एक्ट भी है दैट इज कॉल्ड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट टू थाउजेंड फाइव ये अक्टूबर टू थाउजेंड फाइव में बनकर तैयार हो गया था है ना? ये देखो आरटीआई एक्ट आरटीआई आप फाइल करते हो आरटीआई फाइल करने के बाद विल गेट दी इंफॉर्मेशन राइट मेरे पास अगर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंफॉर्मेशन मैं ले सकता हूं लेकिन उसमें गवर्नमेंट एंटिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए राइट right? अब अगर मैं मान के चलो कि यह बोलू कि भाई मेरे घर के बाहर जो सड़क बनी है या जो नाली बनी है, है ना वो किसने बनाया कितने पैसे में बना वो मुझे पता लग जाएगा कितना मटेरियल लगा कितना बालू लगी कितनी गिट्टी लगी वो मुझे पता लग जाएगा अब मेरे घर के बगल में एक इंसान है है ना उस इंसान वो आया और उसने ना बहुत बड़ा घर बनाया उसने उसने कांच लगवा लिए उसने लॉट ऑफ थिंग्स दे हैव है ना रेनोवेट बहुत अच्छे तरीके से घर बनवाया उसने बहुत प्यारा सा घर लग रहा है अब मेरे को बस एस्टिमेट करना है मुझे समझना है कि बस क्या पैसा कहां से आया इसने कहां से बनवाया कितना कॉस्ट लगा तो अब मैं वहां जाकर आरटीआई फाइल नहीं कर सकता क्योंकि वो वो प्राइवेट प्राइवेट एंटिटी एंटिटी है के अगेंस्ट यू कांट फाइल आरटीआई राइट Lines ने कितना पैसा खर्च किया मैं फाइल नहीं कर सकता हाँ, ने कितना किया वो मैं पूछ सकता हूं ठीक है वो मैं पूछ सकता हूं समझिएगा पॉइंट इधर सिंपल सा पॉइंट इधर दैट इज के आप अगर ट्रस्ट से क्वेश्चन पूछ रहे हो मान के चलो कोई ट्रस्ट बना हुआ है राइट वो ट्रस्ट बना हुआ है उस ट्रस्ट में उस ट्रस्ट में आप क्या पूछ सकते हो ट्रस्ट में पैसा कहां खर्च हुआ कहां पैसा खर्च नहीं हुआ यू कांट राइट यू कांट लेकिन तुम बोलोगे सर इसमें पब्लिक का ही मनी तो है है ना अब देखो गवर्नमेंट कई जो प्रोजेक्ट होते हैं गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट अरे भाई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट जो होते हैं गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में पब्लिक मनी इन्वॉल्व होता है इसलिए राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ राइट है ना राइट टू इंफॉर्मेशन राइट है आपका लीगल राइट right है, या आप, पूछ है? A, right आप पूछ सकते हो यू यू हैव हैव राइट क्या पूछ सकते हो आपको क्या है क्योंकि उसमें, है. Public, public ने पैसा दिया, ने पैसा उसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूट किया इंफॉर्मेशन right? कि, कि, कि आपने इतना पैसा आपके पास आया कितना पैसा आया कितना पैसा खर्च किया आप ट्रस्ट से नहीं पूछ सकते लेकिन आप बोलोगे सर ट्रस्ट में भी तो पब्लिक ने पैसा डोनेट किया है लेकिन यहां पर वर्ड क्या आ गया डोनेट राइट क्या वर्ड आया डोनेट जब हम गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट हमसे पैसा लेती है टैक्स के फॉर्म में हमारा मन नहीं होता देने का लेकिन हम टैक्स देते हैं हमारी ड्यूटी है वो, है वो ना वी 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 पे सेस, वी पे पे टैक्स सेस राइट बट जब हम ट्रस्ट देते हैं जब ट्रस्ट होता है ट्रस्ट में हम क्या करते हैं डोनेट करते हैं हम दान करते हैं दान करना और पैसा लेना अलग अलग चीज है ठीक है गवर्नमेंट इसीलिए रन कर रही है क्योंकि हमारा पैसा है हम पैसा दे रहे हैं उसको तो गवर्नमेंट के पास पैसा है राइट ट्रस्ट में कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको पैसा देना ही पड़ेगा ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है जिसका मन है वो दे जिसका नहीं है मन वो ना दे बट टैक्स सबको देना होता है एवरी सिटीजन एवरी पर्सन लिविंग इन इंडिया दे हैव टू पे डायरेक्ट डायरेक्ट दो भी है वो दे सक, वो दे देते हैं हम लोग तो देते हैं बट ट्रस्ट में डोनेशन मैंने नहीं किया तुमने नहीं किया बहुत सारे लोगों ने नहीं किया लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डोनेशन किया होगा राइट सो डोनेशन अपने आप अपने उस पर करते हो मतलब अपनी विलिंग पे करते हो राइट right? सो so, इसीलिए आप ट्रस्ट से भी नहीं पता कर सकते कि ट्रस्ट में कितना पैसा आया कितना पैसा डोनेट हुआ कितना पैसा कहां खर्च हुआ अब देखो हुआ क्या आरटीआई एक्ट है आरटीआई एक्ट से ही एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम था CIC. है That is, है ना दैट इज तो वो आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन राइट चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन बॉडी जो कि स्टेट लेवल पे भी है जिसको बोलते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन तो सीआईसी जो है सीआईसी ने बेसिकली क्या किया सीआईसी ने डायरेक्शन दिया किसको सीबीडीटी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ आपका डायरेक्ट टैक्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को क्लियरली ये चीज उन्होंने स्टेट करी कि आप हमें ये बताओ आप हमें ये बताओ कि आपने जो राम मंदिर को लेकर ट्रस्ट बना हुआ है है ना दैट इज दैट इज आपका राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट उस ट्रस्ट को आपने कितना टैक्स एग्जामिशन दिया और आपने कितना डिडक्शन दिया ये चीज क्लियर सो द चीफ Information दे कि आपने राम ट्रस्ट को कितना टैक्स डिडक्शन दिया और कितना एग्जाम्शन दिया कितना एग्जाम्शन दिया वो आपको बताना पड़ेगा अब यह बताने की बात है सीबीडीटी को अच्छा नहीं लगा सीबीडी ने बोला कि भाई ये तो गलत बात है ऐसा अच्छा नहीं कर सकते आप तो सीबीडी टी कहां से ली गई आपका सुप्रीम कोर्ट है ना सॉरी दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट चली गई तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कल ही इस चीज पर एक ऑर्डर दिया और क्लियरली स्टेट किया कि सी मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन दे डोंट हैव एनी राइट टू आस्क अबाउट दी राम मंदिर ट्रस्ट के टैक्स एग्जामिशन और डिडक्शन को लेकर ठीक है वो नहीं पूछ सकता so the, तो बेसिकली सेट असाइड दी तो दिल्ली हाई कोर्ट सेट असाइड आपका सीआईसी ऑर्डर ऑन राम मंदिर ट्रस्ट राम मंदिर ट्रस्ट ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन या दिस वन नाउ दिस अगेन समथिंग वेरी सर लेकिन अगर ट्रस्ट में गड़बड़ हो तो चेकिंग अथॉरिटी होती है बेटा चेकिंग हो सकती है ईडी की रेड पड़ सकती है बट उसको पब्लिक के सामने रिवील करना नहीं वो नहीं हो सकता क्या कि मैं क्लेम कर सकूं ट्रस्ट अपनी इंफॉर्मेशन बताए नहीं मेरे पास राइट टू इंफॉर्मेशन का हक नहीं है किसी ट्रस्ट पर है ना आंटेनलेस वो गवर्नमेंट का ट्रस्ट ना हो गवर्नमेंट का ट्रस्ट है तो पूछ सकते हो बस गवर्नमेंट का ट्रस्ट होते नहीं है गवर्नमेंट ट्रस्टेड होते हैं बट पॉइंट इज के वो उनकी पब्लिक ही होती है इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ट्रस्ट की लेकिन अगर ट्रस्ट बनाया गया तो नहीं अगर कोई टेंपल ट्रस्ट है आप उससे पूछ ही सकते हैं कितना डोनेशन आया नहीं वो खुद रिवील कर देते हैं पैंतीस सौ करोड़ रुपए आए थे ठीक थे। है डोने, डोनेशन के थ्रू चलिए नाउ दिस वन नाउ दिस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग वन हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड है क्या ये सो गूगल गूगल आई होप सब जानते हैं सो द गूगल रिमूव मेट्रीमोनियल एंड स्ट्रीमिंग एप्स ओवर द फीस रो है ना सो बेसिकली फीस को लेकर ना बहुत टसल चल रहा है अब क्या ये टसल है उसको अपन समझेंगे देखिए देखो पॉइंट इस चीज़ का है कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन हैं अब ये सारे एप्लीकेशन कहाँ मिलते हैं आपको ये सारे एप्लीकेशन यू विल गेट ऑन गूगल प्ले गूगल प्ले स्टोर अगर आप एंड्रॉइड फोन चलाते हो तो अगर आप आईफोन चलाते हो तो ऐप्स पर मिलता है गैप्स करके उनका है वहां मिलता है बाकी आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाता है गूगल प्ले स्टोर पर ही आप उन को डाउनलोड कर सकते हो राइट ये चीज है अब देखो इशू किस बात का है देखो द टेक मेजर दैट इज गूगल इन्होंने डीलिस्ट कर दिया डीलिस्ट मतलब उन्होंने गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गूगल वेब पेज से भी हटा दिया डीलिस्ट कर दिया कि यहां से आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे क्या कौन कौन से एप्लीकेशन मैट्रिमोनियल डेटिंग एप्स इंक्लूडिंग जैसे भारत मैट्रिमोनियल ट्रूली मैडली क्विक क्विक एंड दो स्ट्रीमिंग सर्विसेज दैट इज बालाजी टेलीफिल्म है ना ऑल्ट बालाजी और दूसरा एक और ऑडियो आप प्लेटफॉर्म सुन रहे हो गडवर्टाजमेंट बहुत, बहुत होता है इसका कुकू एफ है ना तो कुकू एम क्यों हुआ क्यों क्यों हटाया गूगल ने क्यों क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन टू प्रोवाइड कंपनीज बिहाइंड एप्स इन रिलीफ इन बैटल अगेंस्ट दी प्लेटफॉर्म फी फॉर इन एप पेमेंट ऑन गूगल प्ले इन एप पेमेंट फॉर गूगल प्ले ठीक है सो so, बेसिकली आप जितने भी एप्स देख रहे हो ये एप्स पैसा लेते हैं ये ऐप्स क्या लेते हैं ये दे दे नीड मनी राइट इनकी प्लेटफॉर्म फीस है राइट right? और हुआ क्या कि प्लेटफॉर्म फीस जो है वो आपको गूगल के एक ही एप्लीकेशन से पे करनी थी गूगल जो गूगल पे जो है गूगल पे से और उसी चीज को लेकर क्योस क्रिएट हो गया है ना उन लोगों ने केस फाइल कर दिया कि भाई ये तो आपकी आ, आपकी मोनोपोली है मोनोपोली कैसे है क्या मोनोपोली ऐसे कि आप गूगल प्ले गूगल पे से ही पैसा ले रहे हो गूगल पे से ही पैसा ले रहे हो ऐसा नहीं हो सकता आप बाकी उससे भी पैसा लो तो इस ले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गूगल को मना कर दिया था यू कॉन्ट डू दिस इसलिए सुप्रीम इसलिए गूगल ने क्या किया गूगल ने बोला कि ठीक है हम डिलिस्टी कर देते हैं इन ऐप्स को ठीक है तो ऐप को डिलिस्टी कर दिया ये चीज क्लियर चलो चलो आगे बढ़ते हैं आया समझ में ये चीज समझ में आई गाइस ये चीज ठीक है सो अब डाउनलोड मत करना आपका भारत मेट्रोमोनियल ट्रूली मेटली और कौन सा है क्विक क्विक अब मुझे पता है कि तुम लोग देखोगे कि सर ये भी डाउनलोड करके देखता है गधे हो तुम लोग पता है अंदर से एक्साइटमेंट तो हो रहा होगा कि भाई चलो ये वाले डेटिंग डेटिंग ऐप्स तो डाउनलोड करके देखें क्या होता है उधर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं मूव ऑन करते हैं

जब हम पनिशमेंट की बात करते हैं ना तो पनिशमेंट देने के तरीके होते हैं राइट right? जैसे रेट्रीब्यूटर पनिशमेंट होता है 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 ना पनिशमेंट आपका रेट्रीब्यूटर पनिशमेंट हो गया देर आर uh, आपका रेट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है कोई जानता है वॉट द मीनिंग ऑफ रेट्रीब्यूटर पनिशमेंट इफ आई यू इफ आई यू वॉट इज दिस रेट्रीब्यूटिव पनिशमेंट गाइश अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज रेट्रीब्यूटिव पनिशमेंट व्हाट विल यू से देखो रेट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है रेट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है देखिए जस्ट वन सेकेंड जस्ट वन मिनट है ना ठीक है देखो अगर देखा जाए अगर देखा जाए, जाए रिवेज अपन पहले समझ लेते हैं और थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं इसमें थोड़ा सा और इंटिव जाते हैं देखिए देखो जब हम क्रिमिनल लॉज की बात करते हैं ना तो क्रिमिनल लॉज में आर फोर थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट कितनी तो थ्योरीज है फोर थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट है कौन कौन सी है डेटरेंट रेट्रीब्यूटिव रेट्रीब्यूटिव के साथ साथ दैट इज प्रिवेंटिव एंड प्रिवेंटिव के साथ साथ देर इज अगेन रेफॉर्मेटिव ये चार तरीके की आपकी क्रिमिनल थ्योरी होती है पनिशमेंट थ्योरी है ठीक है डेटरेंस

आप यूएस में जाओगे यूएस में कई बार आपने जज के मुंह से सुना होगा कि दिस पर्सन इज गेटिंग सम वट अराउंड टू हंड्रेड इन प्रिजन, इन प्रेजेंट थ्री हंड्रेडर्स इन प्रेजेंट हंड्रेड इन प्रेजेंट है प्रिजन, ये तुम सुनते होगे। तो क्या यूएस के जजेस जो हैं वो इतने घदे हैं कि उनको नहीं पता कि ह्यूमन बींग हजार साल नहीं जीता तीन साल नहीं जीता ऐसा तो बिल्कुल नहीं है उनको पता है है ना उनको तो बिल्कुल पता है कि हाँ भाई नहीं जीता ह्यूमन लाइफ ही समवट अराउंड सिक्सटी टू सेवेंटी एयर्स होती है On an average, so the point is, they basically set ज सो द्विट इज देख द्राइम कमिट किया है, punishment देने का, देखो, punishment देने का क्या है अगर किसी इंसान ने murder कर दिया इंसान ने murder कर दिया ना right? अब उसका कुछ हो नहीं सकता आप उसको वापस लेके आ नहीं सकते जो जो पर्सन जो पर्सन जिस पर्सन का मर्डर हुआ है और जिस पर्सन ने मर्डर किया उसको पनिशमेंट देने से होगा क्या उसके देखो उसके क्या चीज है हम सोसाइटी को शो करते हैं पनिशमेंट देने का पर्पज क्या है वी हैव टू शो दिस पीपल दैट इफ यू कमिट दिस टाइप्स ऑफ क्राइम इफ यू कमिट दिस टाइप्स ऑफ आपकी इफ यू डू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज देन दिस इज वॉट द पनिशमेंट इज जैसे सोसाइटी में एक इंफॉर्मेशन जाए जिस सोसाइटी में एक मैसेज जाए कि अगेन इफ यू डू दीज टाइप्स ऑफ क्राइम्स आपको ये ऐसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा जैसे आगे चलकर ऐसे होता है, राइट? जहां पर आप डेटर करते हो यहां पर बताते हो ये सारी चीजें एक होता है रेट्रीब्यूटिव रेट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है रेट्रीब्यूटिव का मतलब ये होता है कि अगर जैसे कि हमने कई बार सुना है कि मिडिल ईस्ट में चले जाओ में ना, अगर आपने पापा चोरी करी हाथ काट देंगे वहां पर अगर आपने आ, आ, वहाँ पर अगर आपने आ, किसी को मार दिया तो आपके गर्दन काट देंगे जो भी है सुना हमने है, है, ना? रहते कि, बहुत बुरी वाला. है ना? कि तुमने मेरी आंख फोड़ी मैं तुम्हारी आंख फोड़ रहा हूँ फिर आता है आपका कौन सा रिफॉर्मेटिव रिफॉर्मेटिव मतलब कि आप सोसाइटी में रिफॉर्म चाहते हो आप उस, उस, उस जिसने क्राइम कमिट किया ना उसके अंदर भी रिफॉर्म चाहते हो सो so, वो होती है रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट जहां पर आप रिफॉर्म देखना चाहते हो राइट और फिर आती है प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव होती है ऐसे पनिशमेंट जहां पर आप क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए पनिश करते हो ठीक है प्रिवेंटिव अब अब वही चीज यहां पर बताई जाए सो डेथ पेनल्टी जो है अगर मान के चलो किसी इंसान ने मर्डर किया और मर्डर करने के बाद उस पर्सन को डेथ पेनल्टी दे दी गई फांसी की सजा दे दी गई फांसी की सजा दे दी गई तो वो किस टाइप की पनिशमेंट हुई यूएस में तो नहीं होता फांसी वाला कल्चर इतना ज्यादा तो नहीं है यूएस में फांसी वाला कल्चर इवन बहुत सारे वेस्टर्न नेशनस में नहीं है आपका हैंग टिल डेथ वाला पनिशमेंट कई जगह है कई जगह है ऐसा नहीं है यूएस में एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा नहीं है यूएस में एग्जिस्ट करता है वहां पर आपका वो वो होता है ना इलेक्ट्रिक्यूशन होता है वहां पर इलेक्ट्रिक्यूशन होता है या फिर आपको लीथल इंजेक्शन लगाया जाता है ये सारी चीजें होती हैं वहां पर आपको फांसी नहीं दी जाती ठीक है वो भी अलग एक कॉन्सेप्ट है वो हमें देखना होता है कि भाई कौन से पनिशमेंट क्योंकि वी हैव टू मेंटेन द ह्यूमन डिग्निटी है ना सो so, इसीलिए इसीलिए आपका इसीलिए देखा जाए तो देर आर देर आर देर आर आपके टाइप ऑफ डेथ पेनल्टीज भी हैं टाइप ऑफ डेथ पेनल्टीज को लेकर भी डिबेट होती रहती है कि हमें वो पनिशमेंट देनी चाहिए जिससे ह्यूमन डिग्निटी हार्म ना हो है ना जैसे कम पेन हो तो वो एक अलग वो एक अलग कॉन्सेप्ट है है ना बट देखा जाए देखा जाए हमारे डेथ पेनल्टी देने का जो मेन आपका तरीका है दैट इज हैंग क्या आपको हैंग टिल डेथ आपको हैंग किया जाता है फांसी की सजा दी जाती है

टेररिज्म ना हो टेररिस्ट ना हो वो अलग बात है है ना तो इंडियन गवर्नमेंट और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन दे ऑलवेज वॉन्ट दे ऑलवेज वॉन्ट कि हमें डेथ पेनल्टी को रिमूव कर देना है हटाना ही डेथ पेनल्टी का प्रोविजन होना ही नहीं चाहिए तो अभी जब नए जब नए क्रिमिनल लॉज आ रहे थे ना तो लॉट ऑफ पीपल दे दे आर हैव इंटरेस्ट कि कि यार डेथ पेनल्टी शायद इसके अंदर नहीं होगी बट हां डेथ पेनल्टी बल्कि ज्यादा आ गई अब जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं जो आईपीसी ने रिप्लेस किया ना भारतीय न्याय संहिता भारतीय न्याय संहिता में बल्कि ज्यादातर आपके डेथ पेनल्टी के डेथ पेनल्टी के ज्यादा क्राइम्स आपको देखने को मिल जाएंगे कि अगर आपने ये क्राइम किया डेथ पेनल्टी तो नंबर ऑफ नंबर ऑफ डेथ पेनल्टी इन दी क्राइम्स बढ़ी गए हैं कम नहीं हुए हैं लेकिन अब हम यहां पर बात करते हैं यहां पर बेसिकली बात कर डेथ पेनल्टी के क्राइसिस को लेकर इंडिया इन कि वी शुड एलिमिनेट डेथ पेनल्टी और वी शुड गो डेथ पेनल्टी इंडिया इन अब इसीलिए पर लिखा गया तो ऑथर ने खुद बताया कि देखा जाए खुद बोली है पांच सौ सिक्सटी वन प्रिजनर्स है डेथ रो पर बाई द्वेंटी ट्वेंटी थ्री और इंडिया में जो डेथ रो है डेथ रो की पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है एट द एंड मतलब अभी हम बात करें टोटल फाइव सिक्सटी वन प्रेज जिनको डेथ पेनल्टी देना है जिनको फांसी सजा देनी है ठीक है क्लियर ये चीज अब वही चीज यहां पर बताएगी महात्मा गांधी

चीज तो यहां पर लिखा हुआ है कि इन एन अनप्रेसिडेंट ट्रेंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोर्ट इज मूविंग मूविंग टुवर्ड्स कि डेथ पेनल्टी so so नहीं होनी चाहिए ये चीज सोकेश कर रही है, है ना? हम लोग धीरे धीरे डेथ पेनल्टी को बेटर को हम लोग थोड़ा थोड़ा सा ना आपका एलिमिनेट uh, करना चाह रहे हैं एलिमिनेट कर भी रहे बट द पॉइंट इज कि जुडिशियरी कर तो रही है

थिंग्स अराउंड अरसर्टेन द पॉइंट इज ना इवन दो उसके बावजूद भी कॉन्स्टेबल बेंच बैठ गई कि डेथ पेनल्टी को हटाना है गवर्नमेंट ने कई बार कमीशन बिठा दी गवर्नमेंट ने कई बार आपकी कमिटी बिठाई बट उसका कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा सो द पॉइंट इज सो द्वाइंट इज देखा जाए सो इट इज वेरी अनसर्टेन की कभी हम डेथ पेनल्टी से हट सकते हैं कभी हम डेथ पेनल्टी से हट सकते हैं

सो रीड इट आगे खुद यहाँ पर लिखा हुआ है एक्विटल ऑफ़ डेथ रो प्रिजनर्स बाय सुप्रीम कोर्ट डिजर्व पर्टिकुलर अटेंशन है ना तो जो एक्विट हो जाते हैं डेथ रो से सुप्रीम कोर्ट तो जो प्रिजनर्स उनको सुप्रीम कोर्ट पे बट सुप्रीम कोर्ट आप सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका पर्टिकुलर टेंशन उन पर डिजर्व करता है ये सारी चीज़ें फिर तो आगे खुद बताया गया कि, कि, कि देखा गया कि स्मॉल पोर्शन ऑफ डेथ केसेस हैं प्रीवियस प्रीवियस में बट दैट मीन कि हम लोग सक्सेसफुल रहे नहीं अ अ टोटल टोटल फेलियर फेलियर इज पुलिस प्रोसिक्यूशन एंड ट्रायल कोर्ट्स ट्रायल कोर्ट्स ये चीज यहाँ पर ऑथर ने क्लियरली स्टेट किया हुआ है है ना तो ऑथर इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट व्हाट द ऑथर इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट दी

सो फिजिकली दे आर देर ठीक है क्योंकि आईपीसी में पनिशमेंट ह्यूम को लेकर ही है बट बट द पॉइंट इज वी हैव टू मूव टुवर्ड द रिफॉर्मेटिव राइट हमें रिफॉर्मेटिव की तरफ जाना है हमें की तरफ थोड़ा जाना है हमें प्रिवेंटिव की तरफ जाना है हमें रेट्रीब्यूशन की तरफ नहीं जाना है रेट्रीब्यूशन से चीजें कभी सुधरती नहीं है रेट्रीब्यूशन से चीजें बल्कि और बिगड़ती हैं राइट right? ठीक है चलो सर ये डेथ सेंटेंस इज नॉट गुड बट क्राइम ऐसे ही होते हैं बेटा आप लाइफ इंप्रूजमेंट दे दो दे दो दो वो चलेगा डेथ पेनल्टी मत दो, मत मारो किसी को मारना खराब होता है आप उसको पूरे जिंदगी भर जेल के अंदर रखो कोई नो रो रोकने वाला ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नाउ ऑन दी वर्ल्ड न्यूज वर्ल्ड न्यूज में क्या वर्ल्ड न्यूज इज अबाउट कॉल फॉर प्रोब ग्रोज एज गाजा मास्कर स्पार्क्स आउटरीच है ना तो वही चीज तो यहां पर बताया गया इसराइल और गाजा के बारे में इसराइल और हाँ टेरिस लोगों को दे दो

आपका एनकाउंटर्स हो जाना राइट एक्स्ट्रा जुडिशियल एक अच्छा मैसेज नहीं देती फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमें रिलीफ मिलती है हमें एक अच्छा लगता है कि सरकार काम कर रही है सरकार ने स्टेप लिया लॉ एंड ऑर्डर है बट लॉ एंड ऑर्डर ये नहीं होता है ना और अगर आप ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो इट का इसका मतलब यह है कि यू डोंट हैव एनी ट्रस्ट ऑन आपका जुडिशरी अगर आप एनकाउंटर करते हुए जा रहे हो मतलब यू डोंट हैव एनी ट्रस्ट ऑन जुडिशरी ठीक है अब लेकिन आप जुडिशरी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो जुडिशरी मतलब आपको जस्टिस नहीं दे पा रही है जुडिशरी फेल हो रही है ये मैसेज आ रहा है अगर आप ऐसे करते हुए जा रहे हो फिर तो आगे चलकर सारे केसेस में ऐसा होना चाहिए सबको एनकाउंटर से मार देना चाहिए सो दैट इज राइट इट्स अ ये बदला ही तो है ये बदला ही तो था ये विकास दुबे के केस में अति कहमत पर मैं कुछ बोलूंगा नहीं अति कहमत पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था यार है ना अति कहमत वाले केस में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था अब आए तीन लड़के उनको बनना था उन्होंने खुद बोला कि हमें गुंडा बनना था अब गुंडा बनने के लिए पब्लिक में बड़ा गुंडा बनने के लिए हमें कोई बड़े आदमी को मारना था बड़ा आदमी हमें मिल गया मार दिए तो ये तीन लोगों का कहना है वो तीन जो लड़के जो पकड़े गए जो इसमें इन्वॉल्व थे राइट ये और कहना है गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं हाँ गवर्नमेंट का फेलियर है।, है कि वो ऐसे कि वो सिक्योरिटी सिक्योरिटी नहीं दे पाई ठीक है वो सिक्योरिटी नहीं दे पाई तो वो एक फेलियर रहा वो एक फेलियर रहा क्लियर चलो अतिक अहमद सन पता नहीं हो रहा तो वो सही में एनकाउंटर लग तो वो तो एनकाउंटर लग रहा था कि बाइक पे जा रहा है बाइक से गिर गया तो बाइक पे वो मूवी देखी नहीं मूवी बाइक उल्टा करके बंदूक से मारता है अब यार अपने आप को प्रिवेंट तो करना पड़ेगा ना तो वो चीज विकास दुबे वाले केस में लग नहीं जाता कि वो वो बेचारा विकास दुबे क्यों भागेगा उसने खुद ने आपको अरेस्ट करवाया और तुमने गाड़ी गाड़ी पलटा दी बेचारा वो कहा वो तो कहीं भाग जाता आपने आपको उसने अरेस्ट करा दिया तो वो वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया था इवन एक और केस हुआ था बताए तमिलनाडु में तेलंगाना में केस हुआ था मार दिया ठीक है चलो सो दिस न्यूज दिस न्यूज गाजा को लेकर तो गाजा को लेकर बना हुआ है चलिए सो दिस इज दी एनालिसिस ऑफ टूडेज न्यूज पेपर है ना uh, हम लोग मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो सो या सो ऑन दैट नोट लेट्स एंड दी सेशन ईयर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तब तक लिए बाय बाय बाय